आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा हुंड नियम के आधार पर Se+3 यानी Cr+3 आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्युत्पन्न कीजिए तथा प्रचक्रण मात्र सूत्र के आधार पर इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए Cr+3 के हुंड रूल के आधार पर 1s2s2p जो लिखा जाता है वैसे लिखना है और मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली फार्मूला। तो केवल स्पिन के बारे में अगर पता हो और सिर्फ उसी के यूज करके जो फार्मूला हमारे पास है हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सी तथा Cr+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे Ce है तो ये Ce है, इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 58 होता है। तो इसको हम लिखेंगे जो हुंड का रूल है तो 1s2s2p 3s3p 3d 4s4p ऐसे लिख करके इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए यस में 2 होता है तो 2 भर दिया, पी में 6 होता है तो 6 भर दिया, डी में 10 होता है तो 10 भर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा भरा गया और यहाँ आगे भी देखे भरा गया 4F1 5S2 5P6 5D1 6S2। या हम इसी को जीनान उसके बाद 4F1 5D1 6S2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सीरियम का हो गया जिसका परमाणु क्रमांक 58। अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब Se+3 बनेगा। पॉजिटिव है 3 का, 3 पॉजिटिव है इसका मतलब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो ये तीनों निकल जाएंगे तो 4F1 केवल बचेगा तो 4F1 बचा। तो इस प्रकार Se+ में केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, Se+3 होना चाहिए, में केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है अर्थात N=1। तो यहाँ पर देखे F जो सबसेल है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, अब जाहिर सी बात है एक है अनपेयर्ड ही होगा तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये फार्मूला हमारा होता है चुंबकीय आघूर्ण का μs=, यस का मतलब स्पिन वाला, केवल घूर्णन मात्र की बात कर रहा है प्रचक्रण मात्र, तो μs=√N(n+2) बोहर मैग्नेटान इसकी यूनिट होती है। जब हम इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर देखें एन की जगह 1 रखा, फिर N+2 होता है तो 1+2 हो जाएगा, सॉल्व किया तो आ गया √3 यानी वैल्यू आ जाएगी 1.732 बोहर मैग्नेटान। तो इस प्रकार से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण की गणना करते हैं। तो हुंड रूल के हिसाब से जो 1s2s2p 3s3p 4s3d 4p 5s 4d 5p 6s इस तरह लिखा जाता है तो वो चीज़ आपको याद रखना चाहिए, उसी क्रम में हम लोगों को लिखना। अब आगे आ गया देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है लेंथेनाइड श्रेणी के उन सभी तत्वों का उल्लेख कीजिए जो 4f जो +4 तथा जो +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो लैंथेनाइड सीरीज जो है हमारी उसमें +4 और +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले सारे एलिमेंट के हमको नाम लिखना है। कह रहा है इस प्रकार के व्यवहार तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, उत्तर यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था Cr, Nd, Tb और Dy की होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट Cn, Nd, Sm, Tm तथा Yb की होती है। ये सब हमने जब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज देखी NCERT में तो वहाँ सब टेबल बना करके लिखा गया है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ये तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था उस समय प्रदर्शित करते हैं जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d0 6s2 होता है। तो जाहिर सी बात है d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है,
और ये यस वाले चूंकि सबसे बाहरी कक्षा है, सिक्स है या फाइव है, तो सबसे बाहर वाली यही होगी। नाभिक के पास से 1 2 3 4 5 लिखते हैं हम लोग, तो जो सबसे ज्यादा नंबर होगा ये एन की वैल्यू, यानी कक्षाओं की संख्या को एन से लिखते हैं, तो ये वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी इसका मतलब वो सबसे बाहर वाली कक्षा होगी। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा। इसके विपरीत +4 ऑक्सीकरण अवस्था उस समय प्रदर्शित की जाती है, +2 +4 अवस्था उस समय प्रदर्शित की जाती है जब इनका शेष विन्यास 4F0 के समीप, जैसे 4F1, 4F2, 4F3 या 4F7 के समीप होता है, जैसे 4F8, 4F9। तो इस कंडीशन में +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो होती है। तो इस बात को ध्यान देना है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था कब होती है, जब 5D06H2 स्टेट होती है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तब होती है जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद शेष विन्यास जो बचता है वो 4F0 के समीप होता है, जैसे 4F1, 4F2, 4F3 या 4F7 के समीप होता है, जैसे 4F8 या 4F9 होता है। तो ध्यान दीजिए, जब 4F0 के समीप होगा तो 4F1 है, इससे निकले गए एक इलेक्ट्रॉन, 3 इसके पीछे वाले से निकलेंगे तब +4 होगा, या 2 होगा तो 2 इससे निकलेंगे, 2 इसके पीछे वाली पहले वाली कक्षा से निकलेंगे, या फिर 4F3 में 3F से निकलेंगे, एक इसके पहले वाली कक्षा से निकलेगा, या 4F7 के समीप होगा, जैसे 4F8 तो इससे 4 निकल जाएंगे, या 4F9 तो इससे 4 निकल जाएंगे। तो ये कंडीशन होगी तब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी। थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में बता रहा है कि द लैंथेनाइड दैट एग्जिबिट +2 एंड +4 स्टेट आर शोन इन द गिवन टेबल। तो जो लैंथेनाइड +2 और +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, टेबल में नीचे दिया गया है, कह रहा द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट आर गिवन इन द पैरेंथेसिस। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करते हैं, Nd जिसका एटॉमिक नंबर 60 है, Sm जिसका एटॉमिक नंबर 62 है, Eu जिसका एटॉमिक नंबर 63 है, Tm जिसका एटॉमिक नंबर 69 है, Yb जिसका एटॉमिक नंबर 70 है। इसी प्रकार +4 कौन शो करता है, Ce जिसका 58 है, Pr जिसका 59 एटॉमिक नंबर है, Nd जिसका 60 है, Tb जिसका 65 है, Dy जिसका 66 है। अब यहाँ पर देखिए नीचे बता रहा है कि सी आफ्टर फॉर्मिंग सी प्लस फोर अटेन ए स्टेबल कॉन्फिगुरेशन ऑफ जीनॉन। तो सी से जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन प्राप्त कर देता है, जो कि इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, जो क्रिया नहीं करती, और हर एक तत्व यही चाहता है कि मैं क्रियाशील न रहूं। इसी प्रकार टीबी से जब 4 निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो XE 4F7 बनता है, EU से जब निकल जाते हैं 2 तो EU +2 बनता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन XE 4F7 होता है। इसी प्रकार YB जब YB +2 में बदलता है तो XE 4F14 होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ये प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला करके जिस स्थिति में स्टेबल कॉन्फिगुरेशन होगा वही स्थिति हमारे एलिमेंट शो करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है, कह रहा है निम्नलिखित के संदर्भ में एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों तथा लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के रसायन की तुलना कीजिए। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की हमें तुलना करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, फिर ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पर, फिर रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनान 54, 4F1-14, 5D0-1 और 6S2 होता है,
जबकि एक्टिनाइट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडान 86, 5F1 to 14, 6D1 to 2, 7H2 होता है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग याद रखिए, डायरेक्ट नीट में पूछा जाएगा यही। तो इसमें देखिए 5, 4 में F होता है और 5D07 होता है, 6H2 होता है। एक्टिनाइड में क्या होता है, 5F1 to 14 होता है, इसमें 4 है इसमें 5 है, और 6D1 to 2 है, इसमें 0 2N है, इसमें 7H2 है। अतः लैंथेनाइड 4F श्रेणी से तथा एक्टिनाइड 5F श्रेणी से संबद्ध होता है। 4F सीरीज है ये, 5F सीरीज है, इसको ध्यान देना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो कह रहा है कि लैंथेनाइड सीमित ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2, +3, +4 प्रदर्शित करते हैं, जिनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक सामान्य है। इसका कारण 4F5D तथा 6S उपकोषों के बीच अधिक ऊर्जा अंतर का होना है। ये चीज हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ज्यादा ऊर्जा का अंतर है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाते एक दूसरी कक्षाओं में, क्योंकि ऊर्जा का अंतर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं है, केवल सीमित है +2, +3, +4। दूसरी ओर एक्टिनाइड अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 5D6S, 5F6D तथा 7S उपकोषों के ऊर्जा अंतर कम होता है। तो जैसी बात है, पास पास में सीढ़ी होंगी तो हम आसानी से छत पे चढ़ सकते हैं, सीढ़ियाँ दूर दूर तक हैं, दूर दूर हैं तो आसानी से नहीं चढ़ सकते, तो ज़्यादा बार नहीं चढ़ेंगे। तो एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन उछल कूद ज़्यादा करते हैं अपने ऊर्जा स्तरों में लैंथेनाइड की तुलना में, इसीलिए ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्यादा होती हैं एक्टिनाइड की। अब आगे आ जाता है रासायनिक अभिक्रियाशीलता यानी केमिकल रिएक्टिविटी। तो लैंथेनाइड्स सामान्य रूप से श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं, परंतु बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ ये एल्युमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लैंथेनाइड श्रेणी में जो पहले वाले तत्व हैं उनका रासायनिक व्यवहार कैल्शियम की तरह है, मतलब बहुत क्रियाशील है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उनका व्यवहार एल्युमिनियम की तरह हो जाता है, यानी कम क्रियाशील हो जाते हैं। अब देखिए नीचे कह रहा है कि अर्ध अभिक्रिया, जैसे लैंथेनाइड में Ln+3 एक्वस, इससे 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो लैंथेनाइड सॉलिड बन जाता है, इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान -2.2 वोल्ट से -2.4 वोल्ट के परास में है। अब यूफोरबियम के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान -2 वोल्ट है। तो कह रहा है निसंदेह मान में थोड़ा सा परिवर्तन है, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो हाइड्रोजन गैस के वातावरण में मंद गति से गर्म करने पर यह धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती हैं। इन धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करने पर कार्बाइड यानी Ln3C या Ln2C3 तथा Ln2C टाइप के यौगिक बनते हैं। ये तनु अम्लों यानी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं तथा हाइलोजन के वातावरण में जलने पर हाइलाइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड M2O3 टाइप के तथा हाइड्रोक्साइड MOH का होल थ्राइस टाइप के बनाती हैं, जैसा हम NCERT में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोक्साइड निश्चित यौगिक हैं, ना कि केवल हाइड्रेटेड यानी जलयोजित ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड निश्चित यौगिक है, ना कि केवल जलयोजित हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ये क्षारीय मर्द धातु यानी एल्कली अर्थ मेटल के साथ के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की भांति क्षारकीय होते हैं यानी बेसिक होते हैं। इनकी सामान्य अभिक्रियाएं चित्र 3 में प्रदर्शित है। तो ये देखिए NCERT से लिया गया फिगर है कि अगर हम लैंथेनाइड को O2 के साथ जलाएंगे तो Ln2O3 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, और अगर सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो Ln2S3 टाइप के, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर है, 2-3-2-3 ऐसे सल्फाइड बनेंगे। अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगी, हाइलोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो LnX3 टाइप के
हाइलाइट बनेंगे। पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो LNOH का होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो LnC2 टाइप के कार्बाइड बनेंगे, और अगर N2 के साथ गर्म करेंगे तो LnN टाइप के नाइट्राइड बनेंगे। और ये कार्बाइड में और भी टाइप हैं, जैसे LN2C3 टाइप के, LnC2 टाइप या LN3C टाइप के कार्बाइड बनते हैं। तो फिगर में सिर्फ एक दिया है, जबकि तीन टाइप के कार्बाइड बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस बात को समझा। तो ये लैंथेनाइड के बारे में आ गया। अब एक्टिनाइड के बारे में देखिए, कह रहा है कि एक्टिनाइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। पहले क्या था लैंथेनाइड में, जो शुरुआत वाले कैल्शियम की तरह ज़्यादा अभिक्रियाशील थे, और जैसे जैसे श्रेणी में आगे बढ़ते थे तो एल्यूमिनियम की तरह कम क्रियाशील हो रहे थे। जबकि एक्टिनाइड क्या है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेषकर जब वे सूक्ष्म विभाजित हो, यानी छोटे छोटे बुरादे रूप में हो। इन पर उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। इतने ज़्यादा क्रियाशील हैं कि अगर उबलता पानी में डाल दिया जाए तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बना लेते हैं। और अधिकांश धातुओं से संयोजन सामान्य ताप पर होता है। पानी को तो गर्म करना पड़ा धातु से रिएक्शन करने के लिए, लेकिन अधातुओं यानी नॉन मेटल के साथ तो सिंपल टेम्परेचर पर भी, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये क्रिया करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावी होती है। तो HCl के साथ ये क्या होता है, सभी धातुएं प्रभावित होते हैं, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होते हैं, यानी HCl में ज़्यादा घुलनशील है जबकि नाइट्रिक अम्ल HNO3 में कम। इसका कारण यह है कि इन धातुओं पर ऑक्साइड की संरचित सतह बन जाती है, क्षारों का इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो HCl से ज़्यादा प्रभावित हैं, HNO3 से कम प्रभावित हैं, और इसका कारण यह है कि इनके ऊपर एक ऑक्साइड की संरक्षित सतह बन जाती है, यानी इनका रक्षा इनकी करती है, कोटेड ऑक्साइड की कोटेड लेयर बन जाती है, और क्षारों का इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बेस का एक्टिनाइड रूपी मेटल पर कोई विशेष प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है, कह रहा है 61, 91, 101 तथा 109 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो देखिए जेड बराबर 61, यानी परमाणु क्रमांक 61 है, ये प्रोमिथियम है, और प्रोमिथियम इसको PR लिखते हैं। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ऐसे ही 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s ऐसे लिखते चले जाएंगे, तो जीनान तक लिखेंगे 54। जहाँ तक स्थाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो जो इनर्ट गैसेज हैं उनको लिख करके उनका परमाणु क्रमांक लिख दिया जाता है, फिर उसके आगे का लिखते हैं। तो ये 4f5 5d0 6s2 हो जाएगा। तो ये यहाँ तक लिखेंगे 61 का। अब ये एटॉमिक नंबर 91 किसका होता है, तो ये प्रोटैक्टिनियम है, Pa जिसको लिखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो रेडान 86 तक लिख लेंगे, फिर इसके बाद जो बचेगा 86 के बाद तो उसको भरेंगे, तो 5f2 6d1 और 7s2 भरा जाएगा। इसी प्रकार एटॉमिक नंबर 101 है, ये मेंडिलीवियम है, MD लिखते हैं इसको। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले रेडान लिखेंगे 86, इसके बाद जो बचा 101 में 86 घटा देंगे, उन संख्याओं को भरेंगे तो 5f13 भरा जाएगा, 6d0 7s2 हो जाएगा। इसी प्रकार एटॉमिक नंबर 109 मैटनेरियम है, इसको MT लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो रेडान 86 5f14 6d7 7s2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको इनको लिखते हैं। तो इनकी आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करिए। ये सब चूंकि पहले जब एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ सारी चीज़ें हमने बताया है, तो इसलिए अब ज़्यादा डिटेल यहाँ बताने की जरूरत नहीं है।
आप लोग लिख करके इसकी प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। अब 35 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो कह रहा है प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के अभिलक्षणों की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के वर्गों के संगत तत्वों से क्षैतिज वर्गों में तुलना कीजिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष महत्व दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं फर्स्ट फर्स्ट सीरीज वाले, तो उनके जो करेक्टर हैं उनको द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के वर्गों के संगत तत्वों से क्षैतिज वर्गों में तुलना करना है हमको। क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल और ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल। तो इसको देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो एक ही वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतया समान होते हैं। ये हम पीछे से पढ़ते चले आए हैं कि एक ही अगर वर्ग है, वर्ग मतलब क्लास और पीरियड मतलब आवर्त, तो एक ही वर्ग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, यद्यपि प्रथम संक्रमण श्रेणी दो अपवाद प्रदर्शित करती है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें दो एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर देखिए सीरियम है तो इसका लिखा गया है ये क्रोमियम का, तो 3D5 4S1 तथा कॉपर 3D10 4S1, परंतु द्वितीय श्रेणी इसके इससे अधिक अपवाद प्रदर्शित करती। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में दो ही अपवाद हैं ये जो लिखे गए, जबकि सेकंड सीरीज में ट्रांजिशन सीरीज में अधिक अपवाद है, जैसे यमो का, बयालीस परमाणु क्रमांक है इसको लिखेंगे तो 4D5 5S1 होगा। TC का लिखेंगे तो 443 परमाणु क्रमांक होता है तो इसका 4D6 5S1 होता है। RU का लिखेंगे रदरफोर्डियम जिसको कहते हैं, 44 एटॉमिक नंबर होता है तो 4D7 5S1। इसी प्रकार RH का लिखेंगे तो ये होगा 45 एटॉमिक नंबर है तो 4D8 5S1। इसी प्रकार PD का 46 है तो 4D, यहाँ पर देखिए 4D10 5S0 PD का 4D10 5S0, ये 4D10 5S PD का 4D10 5S0, ये दो गलत लिखा है इसको सही कर लीजिए। इसी प्रकार AG47 तो 4D10 5S1, तो ये लिखे गए हैं देखिए सब। तो इसी प्रकार तृतीय श्रेणी में W का 74 है, ये 5D4 6S1 होगा। PT का 78 है, ये 5D9 6S1 होगा, तथा AU का 79 होता है एटॉमिक नंबर, 5D10 6S1, ये सब अपवाद हैं। इसलिए क्षैतिज वर्ग में यानी हॉरिजॉन्टल में अनेक स्थितियों में तीनों श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं होते। तो तीनों जो सीरीज हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है ये सब समान नहीं होते। अब देखिए आगे आ जाता है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कह रहा है समान क्षैतिज वर्ग में। देखिए आपको याद होना चाहिए कि जब हम आवर्त सारणी पढ़ रहे थे तो कुछ लकीरें ऐसी थी और कुछ ऐसी थी इस तरह से। तो जब हम ऐसे चलते हैं तो कहते हैं आवर्त में चलना है, और जब ऐसे चलते हैं तो कहते हैं वर्ग में चलना है। तो ऐसे चलेंगे तो कहेंगे वर्ग में चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे तो कहेंगे आवर्त में चलना है। तो इस चीज को ध्यान देना, तो वही बातें कह रहा है कि समान क्षैतिज वर्ग में, समान क्षैतिज वर्ग में तत्व तो सामान्यतः समान ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतया जरूरी नहीं, मतलब सामान्यतया समान ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक श्रेणी के मध्य में तत्वों द्वारा प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या अधिकतम होती है जबकि अंत में न्यूनतम होती है।
तो कुल मिला के कहने का मतलब मध्य में जो एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं अन पहले और बाद की तुलना में। अब आयनन एंथैल्पी की अगर बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो कह रहा है प्रत्येक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रथन आयनन एंथैल्पी सामान्यतया धीरे धीरे बढ़ती है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें आयनन एंथैल्पी के बारे में समझना होगा। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एटम या परमाणु है, तो उससे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयन बन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसको निकालने में जो ऊर्जा लगती है वही फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो नाभिक अब बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अच्छे से खींचेगा, तो दोबारा जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसका निकालना कठिन होगा। इसीलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से जनरली ज़्यादा होती है। तो वही कह रहा है कि जब हम ग्रुप में वर्ग को क्लास नहीं ग्रुप कहते हैं, ग्रुप में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है प्रत्येक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रथन आयन एंथैल्पी सामान्यतया धीरे धीरे बढ़ती है, यद्यपि प्रत्येक श्रेणी में कुछ अपवाद भी प्रेक्षित होते हैं। तो जब बाएं से दाएं चलेंगे यानी आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। समान क्षैतिज वर्ग में 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना में 4D श्रेणी के कुछ तत्वों की प्रथम आयन एंथैल्पी उच्च तथा कुछ तत्वों की कम होती है। यद्यपि 5D श्रेणी की प्रथम आयन एंथैल्पी 3D तथा 4D श्रेणियों की तुलना में उच्च होती है। तो जो 5D श्रेणी है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो 3D और 4D से की तुलना में ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? 5D श्रेणी में 4F इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। इसका मतलब क्या है? 3D 4D की तुलना में 5D ज़्यादा उच्च है आयन एंथैल्पी। उसका कारण है कि 5D श्रेणी में 4F इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। तो नाभिक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है जिसके कारण क्या होता है कि घेराव अच्छे से नहीं हो पाता नाभिक का, इसलिए बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक आसानी से खींचे रहता है। तो उनको निकालने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ज़्यादा ऊर्जा ही उच्च आयन एंथैल्पी है। तो इस प्रकार से आयन एंथैल्पी हो गया। अब एटॉमिक साइज की अगर बात करें तो एटॉमिक साइज में देखिए कह रहा है कि सामान्यतया किसी श्रेणी में समान आवेश के आयन अथवा परमाणु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ त्रिज्या में क्रमिक कमी प्रदर्शित करते हैं। तो जनरली देखा गया है कि सीरीज में अगर चार्ज सेम हो तो आयन अथवा परमाणु अगर उनके परमाणु क्रमांक बढ़ाए जाएं तो त्रिज्या में क्रमिक कमी प्रदर्शित करते हैं। तो किसी ऑर्डर में अगर हम चल रहे हैं तो उसमें चलते समय जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ेंगे बाईं से दाईं ओर, तो क्या होता है कि त्रिज्या में क्रमिक कमी प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि यह कमी अत्यंत कम होती है, बहुत कम कमी होती है, लेकिन फिर भी कमी होती है। परंतु 4D श्रेणी के परमाणुओं के आकार 3D श्रेणी के संबंधित तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं। तो जो 4D श्रेणी के परमाणु हैं 3D की तुलना में इनके आकार कुछ ज़्यादा होते हैं, जबकि 5D श्रेणी के संबंधित तत्वों के आकार के लगभग समान होते हैं, जबकि 4D और 5D के आकार लगभग समान होते हैं। तो इसका कारण क्या है? लैंथेनाइड आकुंचन है। इसका कारण क्या है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी आकार नहीं बढ़ेगा। तो नाभिक क्या करता है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचता है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव दुर्बल है। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को जब खींच लेगा तो बाहर वाला पास में आ जाएगा,
तो साइज घटेगा, इसी को लेंथेनाइट आकुंचन या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और ये हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 35 नंबर तक क्वेश्चन किया। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।